प्रदेश की 13 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सोमवार को मत पेटियों में बंद हो जाएगा। ऐसे में आपको सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना है। आपको फैसला लेना है कि आपको जुमलों की सरकार का समर्थन करना है या सत्ता संभालते ही राजस्थान की जनता को अभूतपूर्व योजनाओं की सौगात देने वाले अशोक गहलोत को। गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही आम जनता को उसका लाभ दिलाना सुनिश्चित किया। यही नहीं, अशोक गहलोत ने अपने शुरुआती 3 महीनों में आम जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझा। बिना केंद्र की बेरुखी की परवाह किए आम जनता के लिए योजनाओं के द्वार खोले। इसके विपरीत केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। अपने 5 साल में मोदी सरकार ने ना तो आम जनता की सुध ली और ना ही आम व्यक्ति के दुख दर्द को समझा। ऐसे में क्या आपको जुमलों की सरकार को वोट देकर अपना ही अपमान करना है या गहलोत को वोट कर उनके हाथ मजबूत करने हैं? मेरी नज़र में एक गांधीवादी आदमी है, उनसे बड़ा कोई लीडर राजस्थान और भारतीय राजनीति के अंदर है नहीं। नरेंद्र मोदी झूठ से जो नेता बने वो हम सब जानते हैं, और अशोक गहलोत जी जो नेता हैं वो जमीनी स्तर के नेता, जनता में उनका क्रेज है। और अशोक गहलोत जी के नाम पे राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। बहुत अच्छे देखते हैं साहब, जननायक के नाम से मशहूर है गहलोत साहब। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, आम जनता को विश्वास में लिया है। दवाएं फ्री करवाई थी, बच्चों की आरटी करवाई थी, सब बहुत अच्छे काम किए थे गहलोत साहब ने, और अभी भी उनके एक छवि है जननायक के रूप में राजस्थान में। अशोक गहलोत का कार्यकाल एक स्वर्ण कार्यकाल कहलाता है, और गहलोत साहब जो हैं वो एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और गहलोत साहब ने जो कई योजनाएं जो सीनियर सिटीजन के लिए की है, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई है, वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमले दिए हैं।